गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू हुदा का जहाँ। तो गाइज, आज सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा आज कुछ मन नहीं था। मैं ऐसी लेटी रही पूरा दिन, काम तो मतलब लेटी क्या रही, काम तो घर के हैं वो करने ही पड़ते हैं, वो करे ही सारे। और गाइज, अभी जो है ना, मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, आप वो पहले उस चीज़ को देखिए। तो गाइज़, यहाँ आप देख लिए ये पूरी लाइन, मेरे घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन फाइव के जो शूज़ हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और कोई भी शूज़ ऐसा नहीं है जो कंपनी का ना हो, ठीक है। और मुझे पक्का पता है, जब फाइव बाद में ये वीडियो देखेंगे ना, तो ये पक्का मुझे जो है सुनाने वाले हैं कि तुमने मेरे सारे शूज़ जो हैं वो। तो गाइज़, यहाँ आपसे भी देख लिया आप, ये सारे शूज़ ये भी स्पार्क्स के हैं, ये भी स्पार्क्स के हैं, ये जो है कैंपस के शूज़ हैं, ये स्पार्क्स के हैं, ये रेड टेप है, और वो भी स्पार्क्स है। तो गाइज़, कोई भी शूज़ फाइव का ब्रांड के अलावा होता नहीं है। और उसके बाद गाइज़, तो गाइज़ यहाँ पर ये भी देख लिए, ये अभी फाइव ने कुछ दिन पहले ही भी लिए थे शादी पे, ये भी रेड टेप के हैं, ये भी फाइव के जो हैं बाटा के लेके आए थे फाइव, और ये जो हैं फाइव के रेड टेप के हैं। और गाइज़, अभी एक शूज़ जो हैं ये पहन के गए हुए हैं ऑफिस, और अभी दो तीन जोड़ी जूते गाइज़, ये स्पोर्ट्स शूज़ ये रामपुर में रखे हैं कि हम लोग रामपुर जाते हैं तो ये वहाँ पहनते हैं। तो गाइज़, बाय गॉड, मेरे यहाँ घर में जगह नहीं है जूतों की, और ये क्या है, जूते लाते रहते हैं, और उसको मेंटेन करने का काम किसका है, मेरा। और इन दी एंड हमारे और मेरा और महत के आप जूते देखेंगे ना, हम लोग मोस्टली आपको उन्हीं में देखेंगे ज़्यादातर। मैं इतना ज़्यादा शूज़ का मेरा वो नहीं होता ना, मुझे शौक़ भी नहीं है इतना ज़्यादा शूज़ का। और महत का भी ये होता है कि बच्चों के साइज़ बढ़ते रहते हैं, तो मेरा ये होता है कि रिपीटली वही जूते पहनाऊँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद इनके साइज़ चेंज होते हैं, फिर हमें नए परचेज ही करने पड़ते हैं। तो महत के पास भी अभी 4-5 हैं जो महत रिपीट कर रहा है, लेकिन बाकी इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा है शूज़ का। और अभी भी आप पूछ लिए तो ये बोलेंगे मेरे पास जूते नहीं। और जब मैं ये व्लॉग में डालने वाली हूँ ना, तो तब देखना आप, इनका ये आगे पक्का मुझसे करने वाले हैं कि भाई तुमने मेरी सब चीज़ें सबको दिखा रही हुई कर रही हो। बिल्कुल कोई बात नहीं, बने रही व्लॉग में, अभी तो फिलहाल ऑफिस गए हुए हैं। और यहाँ टाइम देख लिए, टाइम जो हो रहा है गाइस, देखिए 5:30 हो रहे हैं। मैं आज स्कूल से आ गए थे, तो उनको शॉवर देके मैंने सुला दिया था। देखिए बच्चा सो कैसा रहा है, गर्मी लग रही है क्योंकि मौसम भी गर्मी का हो गया, और मैंने जैकेट वैकेट पहना दी थी क्योंकि मातब तबीयत से सही होके उठा और नहा दिया था मैंने इसलिए। बाकी तो किचन विचन तो आपको पता ही है, एकदम साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। जूते अभी आपको मैंने कलेक्शन दिखाया, अभी सब जगह पर रखूँगी सारे मैं। और गाइज़, ये इसलिए यहाँ पर लाइन में है क्योंकि ये मैंने सारे वॉश किए हैं लाइन से, देख लिए ये सारे मैंने वॉश किए। उधर वाले तो वो तो पॉलिश ही होते हैं, इसलिए दिखा रही थी मैं, सुखा के बाहर से लेके आई हूँ। और इस वाले रूम में आ जाएंगे गाइस, तो बाहर भी देखिए पूरे कपड़े ही कपड़े हैं। यहाँ देखिए पूरी वॉल की नहीं भरी पड़ी हुई है, इधर 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 नीचे तक कोई। मैंने अभी इस टाइम जो थी वो बैल्कनी भी जो है वो अच्छे से पानी डाल के वॉश कर दिए, बहुत गंदी कर दी थी कबूतरों ने, और फिर मैंने सोचा कि अभी ही पानी डाल के साफ़ कर दी थी क्योंकि दिल नहीं लग रहा था बिल्कुल भी बैल्कनी में आने का। और आपको तो एक गाइज़ बता चीज़ बताना ही भूल गई कि गाइज़ मैं जो हूँ जा रही हूँ रामपुर फिलहाल, और वो किसके साथ, वो मामा के साथ, मामा आने वाली हैं, और कोई फंक्शन है रामपुर में जो अटेंड करना है, तो बस इसीलिए हम लोग जा रहे हैं रामपुर, और मामा थोड़ी देर में बस आने ही वाली हैं। गाइज़ टाइम 6 बजने वाले हैं, तो गाइज़ आ गई हैं मामा। अभी तो मैंने पापा को कॉल किया था, पापा बोले पापा को मैं आने गया था। तो गाइस फाई आ गए हैं घर पे, और टाइम देख लिए पूरे 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 बजे के निकले हुए, 9 बजे घुसे हैं, और आंखें तो ऐसी हो रही हैं, मतलब वर्कलोड आप लोग देख लिए कि इतना ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि मार्च आने वाला है, और उसी के साथ आए भी हैं बेचारे, तो सब चीज़ें लेते हुए आए हैं इसमें। आई एम श्योर टिक्की भल्ले पापड़ी ये सब चीज़ें ही हैं, और मैंने इधर इनके लिए रख दी है बनने के लिए चाय। तो बस जल्दी से निकालते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि फाई भी बहुत थके हैं, थोड़ी देर उनको भी आराम चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो है 12 बजने वाले हैं, और फाई काफ़ी लेट आए थे ऑफिस से, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी था। और ये था कि मम्मा और मुझे, हम दोनों ही जा रहे थे रामपुर, फाई तो ऑफिस का आपको पता है ये मार्च आने वाला है, तो बिल्कुल टाइम नहीं है इनके पास। लेकिन अभी ये था कि इंशाल्लाह हम लोग सुबह ही निकलेंगे, और वो तो जब से आए सो ही रहे हैं भाई, और थकान काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने डिस्टर्ब भी नहीं करा है। तो अब इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे रामपुर, और व्लॉग को अभी हम यहीं एंड मिलते हैं, फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे।
गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू हुदा का जहाँ। तो गाइज आज है, अभी जाना है हमें रामपुर, तो बस तैयारी कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, कपड़े भी निकाल दिए हैं मैंने महात के, बस हम लोग जा रहे हैं, चेंज करेंगे और निकलेंगे रामपुर, और उसी के साथ ब्रेकफास्ट हो गया है गाइज। और हाँ गाइज, अभी जो उधर था हमारा कूलर जो आपने देखा था बैल्कनी में रखा हुआ, वो हमने निकाल दिया है, सेल आउट कर दिया है, स्क्रैप पे दे दिया है। अभी है जो है नया, इंशाल्लाह नया या तो एसी या कूलर जो भी कुछ होगा वो हम परचेज़ करेंगे, और फिलहाल ये है कि अब इसको निकाल दें, और जो जैसा भी रहेगा वो आपके साथ बने रहिए व्लॉग में आप लोग गाइस। और जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ निकलते हैं रामपुर। तो यहाँ देखिएगा, ये जा रहा है कूलर। हेलो एवरीवन, तो गाइस मैं इस टाइम हूँ बस में, और देख के आपको लग ही रहा होगा मेरे पीछे, ऑल दो बस जो है वो खाली है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ये समझिए ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हो रही है। और अभी फ़िलहाल का ये है कि गाइस हम लोग निकल गए थे, कोई लेट थे, कैब्स कोई आ नहीं रही थी ऑन टाइम, और एक बस हमारी निकल गई, फिर हमने दूसरी बस ये पकड़ी है, और उसमें भी गाइस ये था कि अब मैं हम लोग चल दिए हैं, तो मुझे अब ये याद आया कि जो मेरी घर की चाबी है वो मेरे पर्स में आ गई है, और घर अब खुलेगा कैसे क्योंकि फाई जो है वो रामपुर नहीं जा रहे हैं। तो अब भी ये भी टेंशन थी, बस रुकवाई भी थी मैंने और चाबी देने के लिए, बट ये था कि हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे, फिर चाबी मैंने रखी भी नहीं है, तो अभी फ़िलहाल चाबी के साथ घर जा रहे हैं, पता नहीं फाई घर कैसे खुलेंगे, और बने रहिए बाद में आप मुझे भी पता चलेगा कि घर कैसे खुलेगा या कैसे जाएंगे अंदर। बहुत टेंशन वाला सीन है क्योंकि फाई बहुत गुस्सा हो रहे थे, और अभी फ़िलहाल हम लोग तो निकल गए रामपुर के लिए, और ये तो बस गाइस की लेके मैं वहाँ पर जा रही हूँ रामपुर ही, और फाइने का ले जो कहीं ऐसे अननोन जगह पे कहीं की रखना भी सेफ नहीं है कि ये कोई जगह मिले या नहीं मिले, तो बस अभी का यही है, अब देखते हैं घर कैसे खुलेगा, कैसे फाइव प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, और फिलहाल आपको बस भी दिखा देती हूँ मैं। तो गाइस ये है बस, और ये है ऑल दो खाली ही है बस पूरी, आपको मैं दिखा देती हूँ, और इसका गाइस इस जो ये बस है इसका टिकट भी जो होता है वो महंगा ही होता है, मैं आपको प्राइस भी दिखा देती हूँ। और यहाँ देखिए आप, तो ये एक टिकट जो है हमारा वो है हमारा 635 रुपीज़ का, तो यानी कि ये हैं दो टिकट्स हमारे, तो ये 1270 रुपये के करीब हमारा टिकट ही टिकट है इस बस का। तो बस सफ़र तो शुरू हो गया है, बस तो गाइज़ हम लोग बस से उतर गए हैं अभी, और ये है हमारी बस। चलो मनु, मधु के बाल देखो कैसे हो गए हैं, शोर आ था कब से। तो बस गाइज़ भूख लग रही है, कुछ खाते हैं यहाँ पे, और बाहर देख लिया आप, और हम लोग रुके हैं गाइज़ तड़का पे। तो गाइस ये है तड़का, और मम्मा महात को लेके जा रही हैं वॉशरूम, और आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का। तो गाइस चलिए चलते हैं और कुछ खाते हैं, बहुत तेज़ मुझे भी भूख लग रही है। तो बस फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट पे, बस अभी रुकी है अपने ऑर्डर को, और इस टाइम बहुत ज़बरदस्त वाली भूख भी लग रही है, और उसी के साथ यहाँ पर देख लीजिए अभी भैया तो सारी चटनी वटनी रखे गए हैं, और महा जो था वो अपना फेवरेट चिप्स जो है वो लेके आ गए। तो बस फिलहाल वेट ही कर रहे हैं हम लोग, आ जाएगा और फिर आप लोग देखना। तो बस गाइस आ गए हैं, हमारा ये है अनियन और प्याज का पराठा, और साथ ही में हमारे पनीर पकौड़ा और हम लोग की चाय। तो बस पहले खा लेते हैं और फिर आप लोगों से बात करेंगे। तो बस गाइस अभी जो है बस चल गई है, और हम लोग आराम से अपने सीट पे आ गए हैं, और सीट बहुत ही मज़े की है, और यहाँ देखिए आप वहाँ भी आराम से सीट देखिए बिल्कुल पीछे कर ली है, आराम से लेट के कुछ आपको दर्द वर्द नहीं होगा, इतना रिलैक्स मिल रहा है, और मुझे खुद को भी मैं एकदम आराम से जो है ये पैर खोल के आराम से लेटी हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और बहुत आराम है, झटके बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है इस वाले बस में, तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। भाई को।
वेल गाइस, रामपुर तो मैं आ गई थी, एक आध घंटा हो गया है। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि जो की थी, फाई ने की मेकर को बुलाया है, की नई की बनी है, घर ओपन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फाई घर के अंदर हैं। और ये तो घर में यार गाइस कुछ ना कुछ लाइफ है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बट हाँ, उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही जाती हैं। तो वेल गाइस, आज है फंक्शन जिसके लिए मैं आई हूँ रामपुर, और वो है मेरी खाला के यहाँ। और आप लोग बने रहिए, व्लॉग पूरा देखिए, इंजॉय करिए। आज मैं भी जाऊँगी फंक्शन में, मैं आ गई हूँ अपने घर की साइड, आपको पीछे का मेरा व्यू देख के लग ही रहा होगा। और मैं आई थी इस साइड अपने कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि जो मेरा कलेक्शन होता है वो सब यहीं रहता है इसी घर में। तो बस मैं यहाँ आई थी कपड़े निकालने, क्योंकि कपड़े आयरन कर लेते हैं कपड़ों को, क्योंकि लाइट का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, कभी भी लाइट जा सकती है। तो पहले मैंने सोचा कपड़े निकाल लेते हैं, और बस यहाँ देखिए निकाल लिए हैं मैंने कपड़े, आयरन अभी करूँगी, उधर आयरन भी लगा दी है मैंने। और बस अभी का यही है गाइस, जैसा भी, और अभी का ये है सीन गाइस कि थकान बहुत ज़्यादा है मेरे फेस पे, आपको देख के लग ही रहा होगा, क्योंकि यार हम लोग ट्रैवल करके हैं, ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे तो आपको बस में लगे, उसके बाद आप लोग पहले से तैयारी, प्रिपरेशन, घर से निकलना, वो सब में तो ऑलरेडी थकान लग रही है। थोड़ी देर में बैठूंगी, कपड़े प्रेस हो जाए मेरे फिर, और बाकी जैसा भी कुछ रहेगा आप लोग बने रहिए व्लॉग में, मैं आपको साथ शेयर करती रहूँगी। तो गाइस, मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और हम लोग जा रहे हैं फंक्शन में, तो बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और ये है मेरा आउटफिट, और यहाँ देख लें आप, सब लोग जो हैं रेडी हो गए हैं, कार में बैठने लगे हैं, यहाँ महात को भी देख लिए, तो बस वेट कर रहे हैं, सब लोग जल्दी से बैठे क्योंकि 9 बजने वाले हैं। और अंदर जो हैं वो मम्मी पापा हैं, तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं फंक्शन में, और यहाँ देखिए कुछ ऐसी है एंट्री। और हाँ गाइज़, यही होटल है जहाँ पर भाई का वलीमा भी हुआ था, रिसेप्शन भी इसी वाले इस होटल का था, तो वापस यादें ताज़ा हो गई हैं। तो बस चलिए चलते हैं अंदर, और यहाँ देखिए भाभी को देखने के लिए, क्योंकि भाभी की है मेरी तबीयत खराब। और यहाँ देखिए ये है खल्लो और मम्मा जो मेरे साथ साथ चल रही हैं। तो गाइस, इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। जब तक गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में।